चलते हैं सुधांशु मित्तल के पास। बीजेपी के सुधांशु मित्तल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के सलमान सोज भी हमारे साथ। मित्तल साहब, यहाँ पर ये चर्चा हो रही है कि जिस कदर की उम्मीदें बाजार लगाए बैठी है, इकोनॉमिस्ट लगाए बैठे हैं, कुछ हद तक इन्वेस्टर्स भी लगाए बैठे हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से, क्या उन उम्मीदों पर पार्टी खरी उतरती नजर आ रही है? अगर हम जो अब तक चीजें सामने आई उस पर बात करें, FDI के सख्त खिलाफ लग रही है बीजेपी, राजनाथ सिंह ने ये बड़ा साफ किया है। देखिए, बाजार जो है या इन्वेस्टर जो है या जो अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? उसके अंदर सबसे ज्यादा होती है विश्वसनीयता सरकार की, दूसरा उसमें सरकार के जो वायदे हैं उसकी कीमत। अब आप इस सारे और जो आपका जो परफॉर्मेंस है या आपकी क्रेडिबिलिटी है, उससे ही मार्केट सेंटिमेंट बढ़ता है, उससे ही इन्वेस्टर का हौसला बढ़ता है। अब इसमें दो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। 12 साल का जो गुजरात का इतिहास है, जिसमें एक इंडस्ट्री फ्रेंडली, एक बिजनेस फ्रेंडली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट, मित्तल साहब सीधा जिसने सवाल एनकरेज करा है इंडस्ट्री को। दूसरी बात, जो कल के जो भाषण की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो कन्वेंशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तो जरूरत है ही है, द कंट्री मस्ट प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जो कि एक बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बहुत ही सारी उदारवादी बातों का जिक्र भी किया उन्होंने, लेकिन मेरा पॉइंट है सवाल आपसे, और ये पॉइंट आर जगन्नाथन ने भी कुछ देर पहले कहा था कि चुनावी साल के पहले और उसके कुछ महीनों पहले कोई भी पार्टी पॉपुलिज्म का दामन नहीं छोड़ सकती। बीजेपी आज शायद नहीं खुलकर बोल सकती है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट से हमें परहेज है, ये नहीं कह सकती है कि जो सब्सिडी का कल्चर है उसे हम पूरी तरह से बंद करेंगे, खत्म करेंगे या किस हद तक करेंगे, ये आप मानते हैं? नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली जी मित्तल साहब, देखिए ऐसा है कि फूड सब्सिडी कल्चर जो है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके दो पहलू हैं। एक है उसकी मानवीय, उसकी जरूरत क्या है, दूसरी है कि उसकी आर्थिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए। हम लोग जो है, अगर एक रोबस्ट इकोनॉमी को डेवलप करेंगे जहां पे बिजनेस इटसेल्फ कैन टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल, तो उसके आपके पास विकल्प भी सामने निकल के आते हैं। मैं जो बार बार एक चीज कह रहा हूं, आप इसको इंडिविजुअल सेक्टर को लेंगे तो उसमें कई जो है डिबेटेबल चीजें होती हैं। इकोनॉमी चलती है ओवरऑल सेंटिमेंट पे, ओवरऑल पॉलिसी पे, ओवरऑल कंसिस्टेंसी पे और ओवरऑल क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इन चारों चीजों पर चलती है। इन चारों पैरामीटर में अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी होगी, क्रेडिबिलिटी ऑफ पॉलिसी होगी, वहां पे रोबस्टनेस ऑफ इकोनॉमिक थिंकिंग होगी, और एक अर्थव्यवस्था को प्रोग्रेसिवली हमें कैसे लेके बढ़ाना है ताकि हर एक जना खुशहाली से जीवन व्यतीत कर सके, और खास तौर से प्रो बिजनेस। देखिए अभी तक गुजरात और बाकी प्रदेशों में फर्क क्या है, वहां का प्रशासनिक वातावरण जो है वो प्रो बिजनेस है और बाकी सब जगह जो है वो एंटी बिजनेस है। हर व्यापारी, हर व्यवसायी, हर पैसे कमाने वाला आदमी की तरफ चोरी की तरह आते हैं। आज जगन्नाथन एक पॉइंट रखना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। जी बताइए मित्तल जी, बात यह है कि बहुत सारे लोग समझते थे कि मोदी जी कुछ नया लिबरलाइजेशन की बात करेंगे, ये तो सिर्फ ना तो डोल खत्म करने वाले हैं, ये तो लग रहे हैं कि सिर्फ वो ज्यादा खर्च करने वाले हैं, ये हेल्थ इंश्योरेंस और ज्यादा करेंगे। हाँ। इससे किसको फायदा होगा? आई मीन वो तो वही घसीट के ले जा रहे हैं जहां यूपीए ने हमें छोड़ा है। आप जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, गवर्नमेंट रेवेन्यू और नेशनल वेल्थ दो अलग अलग चीजें होती हैं, और भाजपा का और मोदी जी का जो विजन है वो नेशनल वेल्थ का है। नेशनल वेल्थ में जब वो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? वो क्रिएशन ऑफ नेशनल वेल्थ थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जी। जब वो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं वो फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, और सबसे बड़ी बात समझिए जो आप लोग मिस आउट कर रहे हैं, वो कहते हैं एडवांस प्लानिंग के मार्फत ना केवल आप कीमतें प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, आप जो हिंदुस्तान के सबसे बड़ी एसेट है वो है उसका ह्यूमन रिसोर्स।
65% जनता हिंदुस्तान की जो है 35 साल के नीचे है, वी आर द यंगेस्ट नेशन, और इस ह्यूमन रिसोर्स का कैपिटलाइजेशन कैसे करना है, एडवांस प्लानिंग करके उनके लिए आईएम बनाने हैं, उनके लिए आईआईटीज बनाने हैं, उनके लिए एम्स बनाने हैं, उनके लिए आईटीआईज बनाने हैं ताकि उनके स्किल सेट्स डेवलप हो जाएं। ये सारी चीजें जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वेल्थ जो है उसके लिए डेवलपमेंट के लिए हो रही है। तो हमारा फोकस गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं है, हमारा फोकस है नेशनल वेल्थ, and that is what the focus should be of any right thinking government. सलमान सोज को यहाँ पर शामिल करते हैं। सलमान सोज, अगर हम ये थ्योरी लेकर चलें कि चुनाव नजदीक आते आते पार्टियां और भी पॉपुलिस्ट होने की कोशिश करेंगी, तो इस रेस में कांग्रेस तो सबको मीलों पीछे छोड़ चुकी है। 9 से 12 सिलेंडर तो हो गए, और अब महाराष्ट्र में 20% बिजली कम, यानी अगर इसको ट्रांसलेट करें करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी उठाएगी महाराष्ट्र सरकार। सोज साहब, देखिए, जब से मैंने टीवी पे आना शुरू किया कुछ महीने पहले कांग्रेस की इकोनॉमिक पॉलिसी पे बात करने के लिए, मैं सोचता था कि कभी बीजेपी वाले आएंगे और कुछ अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को कुछ बताएंगे। तो फाइनली जब मोदी साहब ने मुंह खोला कल, मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था इसमें कोई नई बात होगी नहीं। क्यों? क्योंकि जब कुछ देर पहले इन्होंने बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स को इतना बड़ा चढ़ा के निकाला, मैंने कहा चलो यार ये तो इनकी कोई टीम नहीं है, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। ये चाहते हैं बेसिकली ओ ये भी करेंगे वो भी करेंगे, हम सबको टैक्स कट भी दे देंगे, हम यहाँ पर स्पेंडिंग भी कर देंगे, लेकिन इन्होंने कोई नई बात ऐसी नहीं की कि भाई आप अगर स्पेंडिंग करेंगे उसके आप रिसोर्सेज लाएंगे कहां से, क्या काटेंगे आप, इन्होंने कोई बात नहीं। सुधांशु मित्तल इसको काउंटर करना चाहेंगे, लेकिन इसके पहले राहुल गांधी ने कौन सी नई बात रखी? नहीं, एक मिनट, मैंने तो किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मुझे भी थोड़ा बोलने दीजिए आप। बोलिए बोलिए सर। अगर इन्होंने कोई नई बात, ये कहते हैं मोदी साहब ने कहा, मैं तो ये ड्रीमिंग कि हमारे यहाँ पर आईआईटीज हो, एम्स है, ये आईएम्स हो, व्हाइल दे आर ड्रीमिंग वी हैव बीन डूइंग, हमारे पास वी हैव एडेड 9 आईआईटीज टू द एग्जिस्टिंग 7 इन द लास्ट 9 इयर्स, आईएम्स हैव डबल्ड, Central universities have gone from 17 to 44. ये तो dream कर रहे हैं. We've been doing. ये कहते हैं skills development. What they're dreaming about, we're doing it. हम बहुत ही focus point पर हैं. हम बहुत ही focus point पर हैं. So sir, उस पर भी बात करता हूँ आपके साथ. तो हाँ, आप उस पर पहले बात कीजिए please. आप हाँ उसी पे जो सब्सिडीज वगैरह उसी पे food security जो act है उसमें बीजेपी शामिल है, लेकिन आप इनसे पूछिए कि ये तो उस पर एक तो पार्लियामेंट में सपोर्ट किया फूड सिक्योरिटी एक्ट को, और बाहर निकले तो टीवी पे इनके साथी उसके खिलाफ थोड़ा थोड़ा बोलते थे, ट्राइंग टू बी न्यूएंस्ड, लेकिन मध्य प्रदेश में इन्होंने 3 रुपए नहीं किलो बेचा राइस को, इन्होंने 1 रुपए किलो बेचा। तो आप मानते हैं कि आप पॉपुलिस्ट हैं और ये भी आप की तरह पॉपुलिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये आपका पोजीशन है? हम पॉपुलिस्ट की बात नहीं है, ये तो हमको बहुत पीछे छोड़ देंगे, ये तो सबको पीछे छोड़ देंगे। आम आदमी देखिए, दीज आर द पीपल जो एफडीआई की बात करते हैं, दे आर अपोज टू एफडीआई, फिर कहते हैं यहाँ तो कोई एफडीआई नहीं आ रही है, इन्वेस्टमेंट हालात खराब है, FDI in retail, they're opposed to, and we have been supporting it. FDI के point पर specifically, Mittal साहब, specifically FDI के point पर. FDI इतनी इस वक्त हिंदुस्तान में है, जवाब देने दीजिए सलमान सोज, जवाब देने दीजिए FDI के मुद्दे पर Mittal साहब. दीजिए. सोज साहब, मैं बोल दूँ कुछ, मैं बहुत हैरान हूँ कि बात क्या हो रही है। ये किसने कह दिया कि बीजेपी FDI के खिलाफ है? बीजेपी ने तो कभी एफडीआई का अपोज नहीं करा। अब मुझे बोलने दीजिए साहब, फिर आप जो एफडीआई इन डिटेल एक अलग सब्जेक्ट है, एफडीआई एक अलग सब्जेक्ट है, और दोनों का अगर आपको फर्क नहीं समझ आए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। देश के अंदर एफडीआई चाहिए, मैंने भी थोड़ा पढ़ा हुआ है, सेक्टोरियल रिक्वायरमेंट्स। बस Mittal साहब, एक इंटरजेक्शन यहाँ पर। राजनाथ सिंह ने कल कहा है कि यूपीए की एफडीआई पॉलिसी एक्सेसिव है, और वो भी बिना कंसल्टेशन की आगे बढ़ाई गई है। यहाँ पर उन्होंने रिटेल का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने ओवरऑल एफडीआई की बात कही, और इसलिए ये सवाल उठ रहा है। Mittal साहब, ऐसा है, अगर आप हमारे तमाम इकोनॉमिक रेजोल्यूशंस ले लें, ये अगेन ये किसी कॉन्टेक्स्ट के बियॉन्ड आप लोग इसको कोट कर रहे हैं। भाजपा का बड़ा सीधा सा मत रहा है इसमें आज तक, हम लोग कभी भी एफडीआई के खिलाफ नहीं थे, हमने तो एफडीआई को एनकरेज करा है। हमारा विषय था एफडीआई इन रिटेल,
हमारी वी हैव सीरियस रिजर्वेशंस कि एफडीआई इन डिटेल के रेमिफिकेशंस ऑन स्मॉल बिजनेस वगैरह वगैरह बहुत हैं और इस पे व्यापक चर्चा होनी चाहिए। अभी तक जिस तरह से इसको लाने की कोशिश करी गई और हुडविंग करने की कोशिश करी उसके हमारी खिलाफत थी, लेकिन एफडीआई तो हमने हर सेक्टर में हमने किसमें नहीं कहा, हमने तो डिफेंस में कहा, डिफेंस प्रोडक्शन में एफडीआई को हमने वेलकम करा, हमने किसमें नहीं करा। तो इसलिए एफडीआई और एफडीआई रिटेल दो अलग अलग चीजें, एक एक स्पेसिफिक सेक्टर्स में अलग अलग इकोनॉमिक कंसर्न्स हो सकते हैं, इसकी लिबर्टी आपको किसी को भी देनी पड़ेगी। बट कहना कि भाजपा एफडीआई के खिलाफ है, आई थिंक दिस इज द मोस्ट मिसलीडिंग स्टेटमेंट। मित्तल साहब लौटेंगे आपके पास, सलमान सोज के पास भी और राजीव कुमार से भी उनकी रिमार्क्स ले लेंगे एक छोटे से ब्रेक में। कहावत है होलियर देन दाओ, अब यहाँ पर होड़ लग रही है कौन है मोर पॉपुलर देन दाओ और इसी पर है हमारी खास चर्चा। राजीव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने अब तक की चर्चा सुनी होगी सर। यहाँ पर हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी के इकोनॉमिक विजन से लग रहा है कि वो पॉपुलिज्म का दामन छोड़ेंगे, क्या ऐसी कोई इंडिकेशन नजर आ रही है आपको कुमार साहब? नहीं, मुझे तो कल की स्पीच सुनकर ये लगा कि मोदी साहब ने जो ग्रोथ पर और एम्प्लॉयमेंट पर जो इम्फोसिस दिया था कि उससे वो पॉपुलिज्म की तरफ नहीं जाएंगे और पॉपुलिज्म से अलग उठेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें जो ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट हैं वो पॉपुलिज्म और इंटाइटलमेंट की जो राजनीति है उसके बिल्कुल बरक्स हैं, उससे बिल्कुल कंट्रास्ट में है। और मुझे जो बात कल अच्छी लगी उनकी वो ये कि उन्होंने कई बार जो है वो एम्प्लॉयमेंट पर और फिर वुमेन एम्पावरमेंट पर, इन्वायरमेंट पर जो बातें कहीं, तो उससे ये जाहिर होता है कि वो कुछ ठोस मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, बनिस्बत इसके कि बड़े दूर दूर की हाँकें और ऐसे एक सपने जगाएं जिससे कि सिर्फ मतलब लोग जो हैं वो एक पॉपुलिज्म की तरफ बढ़ें। मगर सबसे खुशी की बात ये कि उन्होंने कम से कम एक आर्थिक विजन की, एक आर्थिक मुद्दों पर बात तो करना शुरू करी है, क्योंकि अभी तक इस कैंपेन में जो है वो सिर्फ जो एक तरह से कहा जाए तू तू मैं मैं और एक दूसरे को अपशब्द कहना, वहीं तक बात अभी तक सीमित थी। तो मुझे उम्मीद लग रही है कि मोदी साहब कुछ हद तक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की उन्होंने बात करी और ग्रोथ पे जो उनका एम्फेसिस था और एम्प्लॉयमेंट पर, कि वो शायद पॉपुलिज्म से अलग हट जाएं। मगर सबसे बड़ी चीज है कि उनको अब इस बातों को ठोस चीजें कहना पड़ेंगी, डिटेल बताना पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं बताएंगे तो ये बिल्कुल आशंका लोगों में हो सकती है कि ये भी उसी तरह की पॉपुलिज्म और अवसरवादी धारा में बह जाएंगे जैसे कि बाकी पार्टीज बह रही हैं। सुधांशु मित्तल, क्या वो ठोस डिटेल निकल कर आने वाली है चुनाव के पहले? आप देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी चीज कही कि पूरे भाषण में पॉपुलिज्म के लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने, कोई डोल आउट्स नहीं दिए, कोई फ्री ये फ्री वो करके लोगों को वोट के लिए रिझाने की कोई काम नहीं करी। वुमन एम्पावरमेंट जो है, शी इज नॉट अ होम मेकर ओनली, शी इज अ नेशन बिल्डर। तीन स्पेसिफिक चीज, पॉपुलिज्म नहीं है, नहीं पॉपुलिज्म नहीं, आप इसको परिभाषा जो भी दे, गारंटीड फार्म इनकम, हर परिवार में एक सदस्य को गारंटीड नौकरी, ये दोनों चीजें उन्होंने बहुत साफ तौर पर कही है। दूसरी तरफ कही है कि अगर इन्फ्लेशन होगा तो उसके लिए एक फंड बनाया जाएगा, सस्टेनेबिलिटी फंड बनाया जाएगा। ये भी कहा है कि मिडिल क्लास की टैक्स कम की जाएगी, इन्फ्लेशन स्टेबिलाइजेशन फंड बनेगा जी। नहीं, इसमें माफी, उन्होंने कहा इन्फ्लेशन स्टेबिलाइजेशन फंड बनेगा, जिसका कि मुझे डिटेल नहीं मालूम है। स्टेबिलाइजेशन फंड होते हैं वो सप्लाई साइड की तरफ चीजें होती हैं बनिस्बत डिमांड साइड की, ये फर्क है बड़ा कि स्टेबलाइजेशन से क्या होता है कि जब दाम बढ़ रहे हो तो उसकी पूर्ति करने के लिए सप्लाई बढ़ाने में जो पैसा लगता है उसको इकट्ठा एक जगह करके रखने की बात है। अगेन इसमें वही वाली बात है फिर से कि अगर डिटेल्स नहीं आती तो मैं अर्थशास्त्री के नाते नहीं कह सकता कि ये स्कीम चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, मगर हाँ ये बात पॉपुलिज्म की नहीं है, ये बात जो है वो सप्लाई साइड को बदलने की बात है। यहाँ मित्तल साहब कह रहे हैं, बताइए सर। जी तमन्ना जी, देखिए आप लोगों ने जो उदाहरण उन्होंने दिया था वो सब लोगों ने उस उदाहरण की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा देखिए क्या होता है, हम लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, हमारी नीड है, हम उसको एंटिसिपेशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमने कोई डेटा नहीं करा, हम लोगों ने कोई दिमाग ही नहीं लगाया। हम एक तरफ उन चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यहां पे उसकी कमी है हिंदुस्तान में, फिर घुमा फिरा के पैसे की हेरा फेरी करके हम उसी चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं। ये जो है दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डे, उन्होंने ये कहा।
उन्होंने कहा ये सारी चीजें एंटीसिपेट होंगी और स्टेबलाइजिंग फंड जो है उसका पर्पज यही होता है कि डिमांड सप्लाई के गैप में जो मैनिपुलेशंस होती हैं उनको ब्रिज करने के लिए एक एक विजिलेंट फंड बनाया जाता है जो कि महंगाई में जो है सस्ता कर देगा और सस्ते में उसको प्राइस को स्टेबलाइज कर लेगा. दिस इज अ साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी. और इसको कहना कि ये पॉपुलिस्ट है मुझे नहीं लगा कैसे पॉपुलिस्ट है. मैं एक और चीज आना चाहता हूँ. एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ये देखिए ये जो प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड है ये इसमें सब्सिडी एलिमेंट होगी. अगर प्राइसेस अगर कोलैप्स करती है और फार्मर को आप हायर प्राइस देते हो तो इसमें सब्सिडी होगा. ये कहना कि स्टेबलाइजेशन फंड में सब्सिडी एलिमेंट नहीं है गलत होगा. अगर मेरे हिसाब से ऐसा भी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड और दुनिया में कहीं और ऐसा लागू नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड. हाँ किसी जैसे शुगर में आप दे सकते हैं या किसी कमोडिटी में दे सकते हैं मगर अक्रॉस द बोर्ड प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड एग्रीकल्चर में और कहीं पे नहीं होता. यहाँ पर कुल मिलाकर एग्रीकल्चर में भी प्रायोरिटी सेक्टर होती है. आप एक चीज समझे एग्रीकल्चर का जो पूरा गैमेट है वो बहुत वाइड गैमेट है. उसके अंदर भी आपकी प्रायोरिटी फंडिंग होती है. एडिशन इसमें सुन लेते हैं इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं फिर आप अपना जवाब पूरा कीजिए. जी राजीव कुमार जी. मित्तल साहब ये जो वेणु साहब कह रहे हैं कि जब तक इसके डिटेल्स नहीं सामने आएंगे कि ये किस कमोडिटीज के लिए है कितने दामों पे रखा जाएगा कैसे ऑपरेट करेगा तब तक ये बात साफ नहीं होगी. इसलिए बहुत आवश्यक है कि इसके जो डिटेल्स हैं वो सामने रखे जाएं वरना लोगों की आशंकाएं बढ़ती जाएं. कुल मिलाकर डिटेल्स सामने रखे जाए. यहाँ पर जगन्नाथन साहब डिस्कशन आगे जाए उसके पहले जो एक साफ डिस्टिंक्शन आर्थिक दुनिया देखती है दोनों पार्टियों में क्या वो फर्क इतना साफ नजर आ रहा है अब. चुनाव के आगे तो फर्क साफ नहीं नज़र आएगा इसलिए कि कोई भी कैंडिडेट और नरेंद्र मोदी भी नहीं कहेंगे कि मैं ये सब्सिडी कटाऊंगा ये दिस नहीं उनको. लेकिन उनका एडवांटेज ये है कि जो भी स्कीम उन्होंने अनाउंस किया वो इतना वेग है कि उसका कॉस्ट अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है. उसको कॉस्ट बहुत ही कम भी हो सकता है. की डिफरेंशिएटर क्या है. की डिफरेंशिएटर उनका ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बनाइजेशन विजन है. वो अगर वो कर सकेंगे अगर इन्वेस्टमेंट उस डायरेक्शन में जाएगा तो ये देश सुधरेगा. और मैन्युफैक्चरिंग भी गुजरात ने दिखाया है कि बहुत अच्छी तरह उन्होंने बढ़ाया. यूपीए ने तो मैन्युफैक्चरिंग को जिंदा गाड़ दिया है 10 साल में. अभी उन्हें रिवाइव करना पड़ेगा. ये गेम चेंजर है. उन्होंने कल काफी इसको कई बार कहा कि वो उत्पादन को प्राथमिकता देंगे. पर जब हम इकोनॉमिक एजेंडा की बात स्पेसिफिकली कर रहे हैं आप मानेंगे कि कम से कम बीजेपी की तरफ से कुछ पुख्ता सॉल्यूशंस नजर आ रहे हैं जबकि कांग्रेस ये देखते हुए कि पॉपुलिज्म और डोल्स की जो रणनीति और जो राजनीति है वो नहीं काम करे उसी को पीटे जा रही है. ये तो एक हिसाब से रेपुटेशन बनाने की बात है. देखिए जो इन्होंने पहले भी कहा कि जो काफी सारे बातें जो बोली बिल्कुल वेग बातें हैं. कौन नहीं चाहता कि हमारी माँ बहन बेटियां तरक्की करें. हम उस एम्पावरमेंट मिशन में लगे हुए हैं. ये तो बोलना कोई बड़ी बात नहीं है. हम भी चाहते हैं ग्रोथ ज्यादा हो. भाई यूपी और का जो ग्रोथ रिकॉर्ड है वो एनडीए का तो कोई देयर इज नो कंपैरिजन. नो कंपैरिजन बिटवीन आवर टू रेजिम. देयर इज नो कंपैरिजन ग्रोथ के हिसाब से. तो ये कैसे कह सकते हैं हम ज्यादा कर दें. मोदी साहब कहते हैं गुजरात में ग्रोथ 10% की प्रॉमिसेस की कंपैरिजन कर रहे हैं. एक्सक्यूज मी हम फ्यूचर के कंपैरिजन कर रहे हैं. आपको कह रहा हूं हाँ ये कहते हैं ना कि हम गुजरात का मॉडल लाएंगे हिंदुस्तान में. अगर 10% उनकी ग्रोथ यहाँ रही है गुजरात में बहुत अच्छी बात है. लेकिन दे शुड नो दैट सिंस द 70s दे've हैड पीरियड्स ऑफ 14% 16% 18% ग्रोथ इन गुजरात. तो ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हमने यूपीए को बड़ी अच्छी पॉलिसीज दी तभी यूपीए ने अच्छा किया. तो फिर तो मोदी साहब को बहुत अच्छी पॉलिसीज दी गई तो उन्होंने मेंटेन किया ज्यादा से ज्यादा. यहाँ अंत में एक मिनट बचा सुधांशु मित्तल जवाब देना चाहते हैं लेकिन अंत में आखिरी सवाल एमके वेणु. सुधांशु मित्तल ने तो बहुत बोल दिया मुझे तो बात करनी दीजिए ना. इन्होंने बहुत बोला. मेरे पास बिल्कुल सर एक मिनट बाकी है और बस बहुत टाइम दिया मुझे टाइम दीजिए. हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिटेल्स कहाँ पर है
Where are the details? Fair point. Details कहाँ पर है? राजीव कुमार ने भी ये सवाल उठाया, लेकिन एम के वीर मेरा आखिरी सवाल थोड़ा अलग है. मेरा आखिरी सवाल ये है कि कुछ ही दिनों में आम आदमी पार्टी अपनी इकोनॉमिक प्लान लेकर सामने आएगी. ये उन्होंने वादा किया बार बार कि क्या हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी हम बताएंगे. ये हम अज्यूम कर सकते हैं अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड को देख कर कि पॉपुलिज्म के मामले में शायद वे बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पीछे छोड़ दें, ये देखते हुए कि दोनों पार्टियां कुछ चीजों में उन्हें फॉलो करने की कोशिश कर रही है. देखिए मेरा ये तजुर्बा है पिछले 30 साल से जो मैं जर्नलिज्म में रहा हूँ, सारी रीजनल पार्टियां हैं, आप एक चुन के देख लीजिए, सब सोशलिज्म का नारा देते हैं. मैंने पिछले 30 साल में कोई ऐसी इलेक्शन रैली नहीं कवर की जहाँ पे किसी ने ये कहा हो कि पूंजीवाद एक अच्छा, वेल्थ क्रिएशन भी एक अच्छा स्ट्रेटेजी है. सब सोशलिज्म की बात करते हैं, आप भी सोशलिज्म की बात करेगी, ममता बनर्जी ने भी सोशलिज्म की बात करी है, जयललिता भी सोशलिज्म की बात करेगी. मगर वेणु नरेंद्र मोदी थैंक गॉड सोशलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं. हाँ नहीं, मैं आप इनका जवाब दे रहा हूँ, आपके बारे में पूछा, आप क्या करेगी. मैं कह रहा हूँ कि आपसे तो बहुत डर है. मेरा सवाल यह है कि क्या आपको फॉलो करने की ट्रेंड नजर आ रही है. वैसे मेरा समय पूरी तरह से खत्म हो गया है, इस पर चर्चा जारी रहेगी. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आइडियोलॉजी मुझे दिखता नहीं है. थैंक यू. लास्ट वर्ड वहाँ पर. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल. थैंक यू सर. नमस्कार.